رفعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. मेरे काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक होता है किसी को पसंद करना कि फलाना आदमी हमें पसंद है, और एक लाडला होना, दोनों में फर्क है। लाडला होना और ज्यादा ऊपर की चीज है। हाँ जी, हर एक को नहीं कहता ये मेरा लाडला है। उमूमन आदमी अपनी औलाद में से भी जो बहुत ज्यादा दिल के करीब हो ना, लाडले का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है कि मेरा लाडला है। बच्चों में ना ये मेरा लाडला है, मेरी बेटियों में जो ये बेटी है ना वो मुझे बहुत ज्यादा लाडली है, तो ये बंदा मुझे पसंद है, ये मेरी ये वाली बेटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इससे ऊपर की मोहब्बत और इससे ऊपर का लफ्ज लाडले के लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू को अपने बंदों में भी सारे ही पसंद है, अल्लाह के बंदे, फिर इसमें जो इबादत गुजार है वो अल्लाह को ज्यादा पसंद है, जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अपनाते हैं, वो अल्लाह को ज्यादा पसंद है। लेकिन अल्लाह के पसंदीदा बंदों में जो अल्लाह के लाडले बंदे हैं ना, वो कौन है? जिनके अंदर आजजी है, इंतिसारी है, तवाजो है, ये अल्लाह के लाडले बंदे हैं। अल्लाह को इनसे बहुत अजीब अंदाज की मोहब्बत है, जिनके अंदर आजजी, तवाजो, इंतिसारी है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को, अपने आप को बड़ा समझने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते। अल्लाह ताला का वो महबूब हो ही नहीं सकता जिसके अंदर तकब्बुर हो, बड़ाई हो, और इसी की जिद कर लो तो अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू आजिज़ी करने वाले को महबूब रखते हैं। इसकी जिद कर लो, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को अपने अंदर ही अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, अल्लाह इसको पसंद नहीं करते, इसकी जिद कर लो, अपने ही अंदर अपने आप को छोटा समझने वाला, तवाज़ो इंकिसारी करने वाले को अल्लाह ताला महबूब रखते हैं, अल्लाह ताला पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत है कि हम में से हर एक इंसान के अंदर आजिज़ी, तवाज़ो, इंकिसारी आए, और ये इतनी बड़ी चीज है कि मुस्तकिल इसके ऊपर मेहनत होती है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जिंदगी में हम देखें तो हमें वाज़ह तौर पे नजर आता है कि अपने अंदर आजिज़ी, तवाज़ो लाने के लिए उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, अल्लाह के नबी की दुआ। अब आप मकाम पहले अल्लाह के नबी का सोचें, अल्लाह के नबी, कायनात के सरदार, वजह कायनात, आपको ना बनाना होता, जमीन आसमान का निजाम ना बनता, तमाम अंबिया ने पीछे नमाज पढ़ी है आपके, तमाम अंबिया के सरदार, आप पर नबूवत खत्म, कयामत तक आपकी नबूवत चलेगी, आप पर जो किताब नाजिल हुई है वो चलेगी, कयामत के दिन 120 सफे जन्नत में जाने वाली होगी, 80 अल्लाह के नबी की उम्मत की सफे लगी होंगी जो जन्नत में जाने वाली, कितना बड़ा मर्तबा है कि एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने हल्की सी कोहे तूर पर झलक क्या देख ली, बेहोश हो गए,
और महबूब तो मेराज के मौके पर अल्लाह के सामने बैठे हुए बातें कर रहे हैं तहियातुल्लाही वस्सलावात कि जिब्राइल अमीन भी फरमा रहे। इससे आगे एक मकाम आया सिदरतुल मुंतहा महबूब, इससे आगे मैं आऊंगा तो मेरे भी पर जल जाएंगे, आप भी जा सकते हैं, आप मर्तबा देखें और अब दुआ देखें। इतनी लंबी तफसील मौजू की नहीं थी लेकिन बात समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अब दुआ देखें अल्लाह के नबी की, या अल्लाह मुझे मिस्कीनों में जिंदा रख। किसमें जिंदा रख भाई? मिस्कीनों में। हम तो हमारा नाम थोड़ा सा मालदारों में आ जाए हम तो इसको पसंद करते हैं। यूं बताते ये मेरी गैदरिंग है, ये बंदे देख रहे हो और मुझे हल्का नहीं लेना, छोटा मोटा आदमी नहीं हूं। हमारे अंदर ये मुसीबत है, हमारे अंदर ये बुराई है। और वहां पर क्या हाल है, कायनात के सरदार ये दुआ फरमा रहे हैं अल्लाह मुझे मिस्कीनों में जिंदा रख और फिर मुझे मिस्कीनों में मौत दे और अल्लाह कयामत के दिन भी मैं मिस्कीनों के बीच में हूं, मिस्कीनों के दरमियान में हूं। ये आपकी तवाज़ो और आजिज़ी का आला मर्तबा था। अब सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन के अंदर ये चीज क्यों ना पैदा हो, तो हम और आप भी अपने अंदर तलाश करें कि हमारा और आपका क्या हाल है। क्या बड़ी सलातो व सलाम के साथ रहने वाले सहाबा, बूढ़ी औरत है कोई काम नहीं कर सकती, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बैतुल खला साफ कर रहे हैं, बैतुल खला साफ कर रहे हैं। यानी ये अपने अंदर बार बार लाने के लिए कि भले मेरी इज्जत बढ़ गई है लेकिन मैं अपनी अंदर बड़ा आदमी ना बन जाऊं, ऐसी आदतें अपने अंदर लेकर आ रहे ताकि बड़ाई मर जाए, ताकि बड़ाई खत्म हो जाए। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने के अंदर बहुत ज्यादा दीन फैला और ऐसे ऐसे काम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने किए हैं कि आज तक वो चल रहे हैं। मैं इसमें हल्का सा इशारा पेंशन का देता हूं, ये जो आपका फौज का निजाम है, पुलिस का निजाम है, डाकिये का निजाम है, ये सब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में शुरू हुआ, कोई मामूली बात नहीं। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बहुत तारीफ होने लग जाती तो एक दफा सबको बुलवाया, इस अंदाज से बुलाया जिसमें सबको नमाज के लिए जमा करते, सबको जमा किया और सबको जमा करने के बाद खुद मिंबर पर आए। अब सब समझ रहे थे अमीरुल मोमिनीन ने जमा किया कोई बहुत बड़ा काम होगा। जैसे ही जमा किया सारे जमा हो गए, जमा होने के बाद फरमाया मैं मेरी खालाएं फलाने कबीले की थी और मैं ऊंट चराया करता था और जब मैं ऊंट चढ़ा कर वापिस लाता था तो मेरे वालिद कहते थे उमर वो देख दूसरे लड़के ऊंट लेकर जाते हैं उनका पेट खाली होता है भरा हुआ आता है और जब तू लेकर जाता है जिस हालत में होता है उससे ज्यादा खराब हालत में ऊंट लेकर आता है, तू करता क्या है। ये बातें फरमाई और मेंबर से उतर गए। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन हम तो समझ रहे बड़ा कौन बहुत बड़ा काम होगा, आपने हमें जमा किया और आपने इतनी सी बातें इरशाद फरमाई कि मेरी खाला फलानी कबीले की थी और मैं उस कबीले का हूं और मेरे अब्बा मेरे बारे में ये फरमाते थे और ये कहकर आप मेंबर से उतर गए और फरमाया कि आसपास मेरी तारीफ बहुत हो रही थी और मेरे अंदर कैफियत बढ़ाई की आ रही थी। मैंने कहा ऐसा ना हो उमर का नुकसान हो जाए तो उमर को अपना जमाना याद आ जाए कि उमर क्या था। इसलिए फरमाया उमर तू क्या इस्लाम में आया, इस्लाम चमक गया। जवाब दिया अरे इस्लाम तो चमका चमकाया था, उमर इस्लाम में आके चमक गया। तू बार बार अपनी इस्लाह करते थे, ये जो बड़ाई बहनों से बात खत्म हो जाती है, भाइयों से बात खत्म हो जाती है, पड़ोसियों से लड़ाई हो जाती है, जो है ना वो पार्टनरों से लड़ाई हो जाती है, हमारी जो है ना वो गर्दनी नहीं छूटती। अरे मैं क्यों जाऊं, यही तो तकब्बुर है। अबे मैं जाऊं क्यों, इसकी औकात क्या है, तो तेरी औकात क्या है भाई तू बता दे। तू डायरेक्ट आसमान से टपका है, तू पैदा किस कतरे से हुआ है, क्या पेट में लेके घूमता है और अल्लाह अगर उसको रोक दे तो तेरी क्या हालत होगी। तो आदमी अपनी औकात को भूल जाता है। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने अंदर बड़ाई ना आने पाए, इसलिए आप ऐसे जुमले इरशाद फरमाते थे जिससे लोगों की बड़ाई का मुझ पर कुछ असर ना हो। मुस्तकिल मेहनत की चीज है,
और ये पैदा ही जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहकर सहाबा को मिली। इसलिए हमारे अकाबिरीन के अंदर भी ये रंग चढ़ा हुआ था। अब देखिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम, सारी दुनिया के इमाम, और चार जो पूरे सिलसिले चलते हैं उसमें इमाम अबू हनीफा सबसे बड़े के, जिस दिन आपका इंतकाल हुआ उसी दिन दुनिया के दूसरे बड़े इमाम इमाम शाफी पैदा हुए। आप रोजाना इबादत के लिए नमाज शुरू करते हैं, आप अंदाजा लगाइएगा रोजाना इबादत के लिए रात को तकबीर इबादत शुरू करते हैं, पड़ोसी की तरफ से जोरदार आवाज आना शुरू हो जाए। वो कौन था? वो दिन में बेचारा मोची का काम करता था और उसमें से जो पैसे बचते थे उसकी शराब पीता था, और शराब पीने के बाद फिर रात को क्या हालत हो, सारा घर तंग, सारा इलाका तंग, रोजाना आवाज सुनते, आप कभी कुछ कहते नहीं। अब एक तरफ इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, दूसरी तरफ मोची शराबी, इससे दुनिया तक हो, एक दिन आवाज नहीं आई तो बाहर आकर पूछा, भाई खैर तो है, क्या बात है घर वालों से, आज उसकी आवाज नहीं आई, हम क्या कहेंगे, उस कमीने की आवाज नहीं आई, उस बदबख्त की आवाज नहीं आई, उस जहन्नमी की आवाज नहीं आई, उस बेगैरत की आवाज नहीं आई, जितने जुमले हम लगा दे कम है, क्योंकि हम तो पारसा है ना, हम तो पारसा है, सबका हाल है ये, यहाँ बैठने वाले का मतलब ये नहीं है ये कोई आसमान से उतरा है, ये हम सबका हाल है, हम एक मुआचरे में, हम हमारे अंदर बीमारी है अपने आप को अच्छा समझने की, हमारे अंदर बीमारी है अपने आप को बड़ा समझने की, ये बीमारी ले डूबेगी, ले डूबी है, ले डूबेगी क्या, ले डूबी है, बड़ों ने मेहनत की है खुदा की कसम इस पर। तो घर वालों ने जवाब दिया, इमाम साहब आप तकलीफ के दिन चले गए, भाई क्या हो गया, कहा बस अब उसका हमने ठिकाना कर दिया, उसको जेल में बंद कर दिया है, अब तकलीफ के दिन चले गए, हमारी भी जान छुटी आपकी भी जान छुटी। इमाम साहब थाने पहुंच गए, अब वहां तो पहुंचने की देर थी, थाने की क्या हालत हुई होगी जब इमाम साहब आए कि हजरत आप यहां तशरीफ लाए, आपका तो इस जबान का जुमला ही कानून बन जाता है, आप तो जो फरमा दे वो कानून बन जाता है, आप यहां पहुंच गए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत आप क्यों आए, अब यहां आप सीख के जाए, जवाब क्या दे रहे हैं, हजरत आप यहां क्यों आए, अभी कहते थे कोई भी काम था, भाई जब आदमी का अपना काम हो तो खुद ही करना चाहिए, सुन रहे भाई, अपना काम हो तो खुद करना चाहिए। इसलिए जमाने तालिब इल्म में कई तलबा ने देखा होगा बिनोरी टाउन के पास बड़े बड़े शेखुल हदीस जिनके साइन फतवे में पूरी दुनिया में चलते थे, बार फ्रूट खुद खरीद रहे थे घर वालों के, सीरत है ये, हमारे अकाबिरीन सीरत लिखते थे तो इसमें अपने आप को चेक करते थे, मेरे अंदर ये तवाजो है कि नहीं है, मेरे अंदर छोटापन है कि नहीं है, कि जरा सा क्या नाम मशहूर हो गया पाऊ जमीन पर टिकी नहीं रहे, जरा सा क्या पैसा आ गया पाऊ जमीन पर टिकी नहीं रहे, बीमारी है बीमारी, इस बीमारी को खत्म, ये बीमारी खत्म नहीं होगी ना तो इबादत का रंग नहीं चढ़ेगा, इबादत का रंग नहीं चढ़ेगा। इसलिए अल्लाह वालों की सोहबत में जब हमारे अकाबिरीन आते थे अपनी इसलाह के लिए तो पहले जिक्र की इसलाह नहीं होती थी, पहले इनके अंदर तवाज़ो और आजिज़ी लाने की, छोटा छोटा बन जाए, अभी ये जरा सा सूट पहना इसमें कोई थूक तो दे, फिर कौन सी पगड़ी, कौन सा मौलवी, कौन सा इमाम साहब, जो मुंह से बकवास निकले कम है, यही तो आजमाइश का वक्त है मेरे लिए आपके लिए। तो इमाम साहब आप क्यों आए, भाई जिसका काम होता है वो खुद आता है, हजरत तशरीफ लाया जी, वो फलाना आदमी सुनाए इसको अंदर बंद कर दिया, जी जी इसको छोड़ दीजिए, मैं उसकी जमानत लेता हूं, मैं उसकी जमानत लेता हूं, आप उसको छोड़ दीजिए। तो हजरत आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई होगी, तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, घर वालों ने इलाके वालों ने सबने आकर शिकायत, हाँ भाई ठीक है मैं उसकी जमानत ले रहा हूं आप उसको छोड़ दे। अब कह रहे ठीक है हजरत आप तशरीफ ले जाए वो आ जाएगा, नहीं नहीं मैं यहां बैठा हुआ उसको छोड़ दे आप। अब जैसे उसको बुलाया गया भाई आ जा भाई, अब जब वो आ रहा है तो जैसे ही इमाम साहब का चेहरा देखा तो मुंह नीचे कर लिया, यार पहले ने बहुत सारी शिकायत की थी अब ये भी आ गए होंगे शिकायत करने के लिए, कि थोड़ी सी और लिख दो इसको भी भारी ना आए सारी जिंदगी अंदर रहे, ये बदबख्त है, वो तो दिल दिल में ये सोच रहा है। तो कह रहे भाई घर जाओ, तो चेहरा थानेदार की शक्ल देख रहा, घर जाओ, घर क्यों जाओ भाई, तुम्हारी जमानत नहीं है भाई, किसने लिए,
अब इमाम साहब ने तुम्हारी जमानत दी है, चलो भाई घर चले गए। अब रात को फिर शोर की आवाज नहीं आ रही और फिर परेशान हो गए। जब दरवाजा खटखटाया तो देखा सारे घर वाले सो रहे, एक आदमी जारो कतार रो रहा। हैरान हो गए, कौन रो रहा है, क्या हो गया? तो देखा तो वो अल्लाह के सामने पूरी रात इबादत करके आखिरी पहर में रोना धोना लगाया हुआ अल्लाह के सामने। तो कहा इमाम साहब अल्लाह आपको जजाए खैर दे, आप मेरी जमानत लेकर आ गए। मैं इसलिए इस हालत में रहता था कि मुझे लोग बेकार समझते थे, मोची है, शराब पीता है, किसी काम का नहीं है। अब तो मैं सीना तान कर लोगों को कहता हूं, लोगों मेरी जमानत के लिए इमाम आजम आया है, लोगों मेरी जमानत के लिए थाने में इमाम आजम आया, मुझे मेरे घरवालों ने निकाल दिया, लेकिन वक्त का इमाम मेरी जमानत के लिए आया। मैं अब छोटा आदमी नहीं हूं, मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूं, मैं अब बड़ा आदमी हूं। जब अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा बनाया तो मैं अल्लाह का दोस्त क्यों ना बनूं? इसलिए मैंने नियत कर ली इमाम साहब, अब मैं अल्लाह का वली बनूंगा, अल्लाह का दोस्त बनूंगा। तो आज हमारा क्या हाल है? आज हम और आप कहां पर हैं? आज तो माफ करना, मां के पैर दबाने में भी शर्म आ रही है, बाप की खिदमत करने में भी आज के वक्त में शर्म आती है। कितने ऐसे जो इस मजमे में बैठे हुए, कुछ चाहिए ना, बड़े बड़े पीरों से बाद में मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे बाप के पास से मिलेगा। जो तुम्हें तुम्हारे बाप की दुआ से मिलेगा वो बड़े बड़े पीरों की दुआ से बाद में मिलेगा। जो तुम्हें तुम्हारी मां की खिदमत से मिलेगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन मेरा ख्याल यही है, बहुत ज्यादा मेरा ख्याल यही है, रात को जब वालदा के पास आते खिदमत करते तो मां की ये तलवे चाटते थे। तो मां कहती, बेटा तू इतना बड़ा आलिम है, तू ये क्या कर रहा है? मां मेरा ये हक मत छीनो, मैं तेरे तलवे नहीं चाट रहा, मैं तो अपनी जन्नत को चाट रहा, मैं तेरे तलवे नहीं चाट रहा मां, मैं तो अपनी जन्नत को चाट रहा हूं। मां जी मुझे ये हक हासिल करने दो, मेरा ये हक मुझसे ना लो। तो आज तो आदमी इतना बड़ा हो गया कि बाप की खिदमत नहीं होती, मां की खिदमत नहीं होती। तो बीमारी है हमारे अंदर जो बिला महसूस तरीके से हमारे अंदर ऐसी गल कर गई है कि अल्लाह इसको निकाल दे मौत से पहले पहले। इसलिए कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह को एक जगह बुलाया, बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं अपने अपने मजहब को बयान करने के लिए। तो मौलाना नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया कि ये इस्लाम पेश करेंगे, बताओ इस्लाम पेश करेंगे। तो जैसे ही वहां से निकले तो यही दिल में सोच रहे हैं, अब जरा देखिएगा, ये बात उन्होंने इसका इजहार भी किया, मतलब मैं उनके अंदर की सोच नहीं बता रहा, उनका इजहार बता रहा। सारे सारे रास्ते सोच रहे, मैंने लोगों को आने का बता दिया है, अब लोग वहां खड़े रहेंगे, इस्तकबाल में खड़े रहेंगे, ये तो अच्छा नहीं होगा, मैं तो इस्तकबाल के काबिल नहीं हूं। सुन रहे भाई, मैं तो इस्तकबाल के काबिल नहीं हूं कि लोग मेरा इस्तकबाल करें। इसलिए 5 मिनट पहले जो स्टेशन था इसमें उतर गए। अब बीच में नहर आई, पुल नहीं था, सारा पजामा गीला हो गया, तो तेबन बांध ली। अब इस पजामे को सुखाने में देर हो जाएगी, तो वो जो आशा हाथ में था उससे पजामा सुखाने के लिए इसे ऊपर लटकाया हुआ है, और इस्लाम को बयान करने वाला आलिम एक आम आदमी की तरह दाखिल हो रहा है। अब वहां के लोग हैरान हैं, परेशान हैं, अभी तक हजरत नहीं आए, मालूमात करो, सब कुछ करो। अब वहां के जो बड़े आलिम थे उन्होंने जब देखा कि कोई कमरे में हजरत होंगे, कहीं होंगे, रजिस्टर निकाला, मालूमात निकाली, तो अपना असली नाम भी नहीं लिखा था, अपना पुराना नाम लिखा हुआ। हजरत हम आपके इस्तकबाल में खड़े थे, सारा वाकया सुनाया और कहने लगे कि भाई मुझे पता था तुम लोग इस्तकबाल में खड़े हो गए, मैंने सोचा कि मैं तो इस्तकबाल के काबिल नहीं हूं कि मैं कहीं आऊं और लोग मेरे इस्तकबाल में खड़े हो, इसलिए मैं पहले उतर गया। ऐसा अपने आप को मिटाना ये हमारे अकाबरीन सीखते थे, ये अल्लाह वालों का ये मामूल था कि अपने अंदर से ये बीमारी को खत्म करना। इसलिए कुरान में अल्लाह जल्ला जलालो अम्मन वालों ने बहुत प्यारे तरीके से तवाज़ु को बयान किया है। वाइबादुर रहमान, इधर वाइबादुल्लाह ने फरमाया वाइबादुर रहमान, रहमान के बंदे तो वो हैं, यमशून अलल अर्ज़ हौना, जमीन पर इस तरह चलते हैं आजिजी के साथ, तवाज़ु के साथ, रहमान के बंदे।
रहमान के बंदे हो रहे। वाइबादुर रहमान الذين يمشون على الارض هونا, जमीन पर आजजी तवाज़ु से चलते। वइदा खातबहुम الجاهلون قالوا سلاما, जब किसी से लड़ाई हो जाए, किसी से मुंह मारी हो जाए और किसी के जो है ना वो मामला खराब हो जाए तो सलाम करके निकल जाते हैं, बहस मोबाइल से नहीं करते। वइबादुर रहमान الذين يمشون على الارض هونا, तो मेरे अजीज मोहतरम भाई दोस्तों, ये बहुत बड़ी सिफत है, अल्लाह का महबूब बनना और है, अल्लाह का लाडला बनना और है। देखो अल्लाह के तो महबूब खलीलुल्लाह भी है, ईसा अलैहिस्सलाम भी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, ये सब अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के नबी है। लेकिन हमारे नबी क्या है? लाडले है, कुछ अलग ही है यार, कुछ अलग ही है, उनकी बात ही कुछ और है, ऐसा ही है ना। तो हम और आप अल्लाह के लाडले बने, लाडले लाडले बनने के लिए हमें और आपको तवाज़ु इख्तियार करनी पड़ेगी, अपने आप को बिल्कुल खत्म कर देना। इसके ऊपर हमारे अकाबिरीन बाकायदगी से मेरे अजीजों मेहनत करते, ऐसी खिदमतें करते जिस खिदमतों की वजह से अपने अंदर तवाज़ु आए, और ये तवाज़ु की सिफत मिल गई ना। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में ये दुआ है, अल्लाह मुझे मेरी निगाह में गिरा दे, लोगों की निगाह में बढ़ा दे। लोगों की निगाह में बढ़ने का मतलब ये था कि चूंकि तबलीग का काम करना है तो जाहिर सी बात है इल्म का काम करना है, दीन का काम करना है, लोगों की निगाह में बड़ा होऊंगा तो करूंगा ना। अगर लोगों की निगाहों में बड़ा नहीं हुआ, लोग नेक और मुत्तकी नहीं समझे तो कैसे सीखने आए। इसलिए ये दुआ मांगी, लोगों की निगाहों में बड़ा बन जाओ, लेकिन अपनी निगाह में कोई हैसियत ना रहे। इसलिए अल्लाह के नबी सहाबा के मजमे में फरमा रहे, अगर मुझसे तुम्हारी जात के मुतालिक कोई कमी हुई है तो आकर मुझसे बदला ले लो, आकर मुझसे बदला ले लो। एक साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे बदला लेना है। सारे उनको देखकर हैरान हो गए, ले लो भाई बदला, या रसूल्लाह कमीज उठाए, मुझे तो बदला इस तरह लेना है। अब भाई कब किया था, क्या किया था बता तो दो, उसके बाद फिर आके बदला लेना, नहीं बदला ले लो, जो मुख मुका हो इधर कर ले, ऊपर जाने के बाद किसी किस्म का जवाब ना देना पड़े। ये सिफत पैदा ही तवाज़ु के बाद होती है, यह हर एक की कमी नजर आ रही है, हर एक हमारे अबे वो घटिया आदमी है, अबे वो तो बिल्कुल ही लाचार आदमी। जिस दरख्त के अंदर जितने ज्यादा फल होते हैं वो इतना ही झुका हुआ होता है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आप सलाम में पहल करते थे, इतना सलाम में पहल करते थे कि बच्चे आपसे मुकाबले में हार जाते थे, बच्चे आपसे मुकाबले में हार जाते थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवाज़ु की हालत ये थी कि आप अगर मजमे में लोगों से मिलते तो ऐसे नहीं मिलते थे, ऐसे नहीं मिलते थे। आप अलैहिस्सलाम मजमे मिलते तो हर आदमी की तरफ पूरी तवज्जो देते, फिर इससे मिलते तो इसकी तरफ पूरी तवज्जो देते, फिर इससे मिलते तो इसकी तरफ पूरी तवज्जो देते। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ु का हाल ये था। तो मेरे अजीज मोहतरम भाई दोस्तों, हम और आप भी अपने अंदर खंगाल है। इसलिए कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह जुमला फरमाते थे, क्या मैंने दो लफ्ज पढ़ लिए, सुनना भाई, क्या मैंने, कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अरे भाई मैंने क्या दो जुमले पढ़ लिए, क्या दो लफ्ज पढ़ लिए, लोगों में मशहूर हो गया, वरना अगर मैं मशहूर ना होता तो अपने आप को ऐसा मिटाता कि दुनिया याद रखती, यानी ऐसा खत्म कर देता कि लोग पहचानते ही नहीं। अंग्रेजों की नाक में दम करने वाला मस्जिद में झाड़ू दे रहा है, फौज आके पूछ रहे हाँ भाई ये तुम्हारा जो बड़ा आलिम है कासिम नानोतवी किधर है, अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे हटकर कहने लगे थोड़ी देर पहले इधर ही था। अब उनके दिमाग में फौज की दिमाग में अंग्रेज को लोहे के चने चबा दिए, वो तो रहता कैसा बादशाहों की तरह होगा, उसकी तो बात ही कुछ और होगी, वो तो ये सोच ही नहीं सकता था कि मुसलमानों का इतना बड़ा आलिम जिसने अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए, जो मर जाता लेकिन ये फतवा ना देता कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना छोड़ दो, लोहे के चने चबा दिए, वो मस्जिद में झाड़ू दे रहा है।
मस्जिद में जादू दे रहा है, उसकी तो दिमाग में भी नहीं आ सकती थी, इसलिए थोड़ी थोड़ा सा पीछे हट कर कहने लगे थोड़ी देर पहले इधर ही थे, देख लो भाई। तो मेरे अजीज मोहतरम भाई दोस्तों, जितना ऊपर जाए उतना नीचे आए, ये असल बड़ा और ये अजीब बात है, जितना मिटाएगा इतना अल्लाह ऊपर करेंगे, जितना मिटाएगा इतना अल्लाह ऊपर करेंगे, ये अजीब मामला है। जितना अपने आप को नीचे करता चला जाएगा अल्लाह इसको इतना ही ऊपर करते चले जाए। और जहां ऊपर आया फरमाया बड़े सख्त अल्फाज है कि तकब्बुर अल्लाह की चादर है, जो ओढ़ने की कोशिश करेगा यानी बड़ाई, बड़ाई अल्लाह की चादर है, कोई ओढ़ने की कोशिश करेगा अल्लाह उसे पाश पाश कर दे, अल्लाह उसे खत्म कर दे। वो फरमाया कि राय के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ जन्नत में जाना बहुत दूर की बात, खुशबू भी नहीं सूंघेगा। अब बताओ कितनी मेहनत की जरूरत। तो मेरे अजीजों, बतकल्लुफ अपने अंदर तवाज़ो लाए, सलाम का मिजाज बनाए, आजिज़ी तवाज़ो इनकी सारी जबान के अंदर मिठास नरमी, ये वो सिफतें हैं जो अल्लाह जल्ला जलालहु मुहम्मद वालहु आदमी को ऊपर करते चले जाए। अभी भी हालिया हमारे अकाबरीन, हमारे उस्ताद, अपने उस्ताद जो हमारे भी बाद में उस्ताद बने, बुखारी शरीफ हाथ में लेकर रायगढ़ में चक्कर लगा रहे, बुखारी शरीफ हाथ में और चक्कर लगा रहे, और जैसे ही आगे बढ़े बच्चों का रश देखा बुखारी शरीफ हाथ में, मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह, लाखों का मजमा था जनाजे में, क्यों रश लगा हुआ है, उसी आवाज अंदाज बहुत ऐसे मोटा बोल रहे, क्यों रश लगा हुआ है, मौलाना यहाँ वो बैतुल खला साफ नहीं हो रहा, बहुत देर से कोशिश कर, हट जाओ भाई, ये अंदाज था वहां, हमारे उस्ताद थे ना, अभी मैं बोल रहा हूँ मेरी आंखों के सामने, हट जाओ भाई, सबों को हटाए अंदर घुसे और पूरा हाथ अंदर डाल के साफ किया, उसल खाना किधर है, इधर है, वहां जाए ना है बुखारी हाथ में भी, चल उसको चल, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तो देख के ऐसे बोलेगा जैसे खुद को आता ही नहीं है। आप अंदाजा तो लगाओ ना, हमारे अंदर तकब्बुर भरा हुआ है, हम इसको मानते नहीं है, तकब्बुर भरा हुआ है हमारे अंदर। मेरे अजीज मोहतरम भाई दोस्तों, ये जितना कम होगा हम अल्लाह के महबूब नहीं बनेंगे, हम अल्लाह के लाडले बन जाएंगे। लाडले, लाडले से अंदाजा लगा लेगा। तो तवाज़ो पैदा करने की चीज है, इसलिए मुस्तकिल अल्लाह वालों की सोबत में हमारे बड़े रहते थे कि अल्लाह वालों की सोबत में रह रहकर यहां तक पहुंच जाए कि अल्लाह का हम लाडले बन जाए, हमारे अंदर ये सिफत पैदा हो जाए। इसलिए पूरी जिंदगी मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को तालिबे इल्म कहते थे, मैं तो तालिबे इल्म हूँ भाई, इल्म का सीखने वाला हूँ, मैं कहा बड़ा मौलवी लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं हूँ। पूरी जिंदगी अल्लामा बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह, पूरी जिंदगी मैं तो तालिबे इल्म, अपने आप को लिखवाते भी तालिबे इल्म थे, और सईद अहमद खान साहब के तो पासपोर्ट में तालिबे इल्म लिखा हुआ होता था। तो जो अपनी हैसियत को जितना मिटाता है, मेरे जी तो फैसला इसीलिए तो जनाजे पे होता है, फिर अल्लाह जनाजे पे मजमा भेजते हैं, इसलिए तवाज़ो वाले के बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह छुपा देता है, बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह छुपा देता है। ये सलाम का आदि होगा, तवाज़ो होगा, लोगों को खाना खिलाता होगा, लोगों के साथ तरीके से मिलता होगा, भाई किसी की मदद नहीं कर सकते, दो जुमले तो अच्छे बोल दो, यहां तो भाई तवाज़ो बहुत दूर चली गई, मैं तो आपकी हर वक्त तो मैं लगा हुआ हूं कि किस तरह तुझे जलील करूं, कोई ऐसी बात पता चल जाए कि तुझे जो है ना वो जहन्नम के गड़े तक फेंक कर रहा हूं। हर आदमी तवाज़ो तो बहुत दूर चली गई। तब याद रखना, तवाज़ो का आला दर्जा ये है, तवाज़ो का आला दर्जा ये है कि आपके तमाम रिश्तेदार, आपके तमाम मुतअल्लिकीन, आस पास के रहने वाले, उनके ऐब का छुपाना ये तवाज़ो का आला पैमाना है। आस पास के आपके जितने मुतअल्लिकीन रिश्तेदार हैं, इनके तमाम किस्म के ऐबों को छुपाना ये तवाज़ो है, ये अखलाक है। या तो ऐबों को उछालो, एक बात तो पता चल जाए फलाने की बेटी ऐसी, तो एक घंटा इसी पे गुजर जाएगा, क्या तेरी गोद में बेटी नहीं है, पासा नहीं पलट सकता, उसकी भाग गई तो दुनिया को बताना जरूरी है, जबान बंद कर दे, पता चलना होगा दुनिया को, पता चलेगा तू अपना नुकसान क्यों कर रहा है, फलाना जो है ना वो कारोबार में डंडी मार के भाग गया, तो यही सबसे बड़ा रिपोर्टर है, यही बड़ा सबसे बड़ा इंटरनेट है,
अब ये लोगों को बताता फिरेगा। दो मौके ऐसे हैं जिसमें बताना वाजिब है, दो मौके ऐसे हैं जिसमें बताना वाजिब है। आप किसी के साथ पार्टनरी कर रहे हैं, एक आदमी आपका आपको कहता है कि मैं फलाने के साथ पार्टनरी कर रहा हूं, आपको पता है वो दो नंबर आदमी, इस वक्त आपका बताना वाजिब है, ना बताओ भी गुनाहगार हो। कहीं रिश्ते की बात चल रही है, फलाना कह रहा है मेरी बेटी के लिए वहां से रिश्ता आया है, आपको पता है वो घराना भी गड़बड़ है, वो बंदा तो बहुत ही खतरनाक है, पहले ही जिना और शराब में मुब्तला है, पहले ही कितनी लड़कियों के मामलात में फंसा हुआ है, ये बेचारा अपनी बेटी देकर जिंदगी भर रोएगा, इस वक्त आपका बताना वाजिब है, ना बताना गुनाहगार है। इसके अलावा शरीयत में और कोई तीसरा पहलू नहीं है। इसलिए मेरे अजीज मोहतरम भाई दोस्तों, ये आपको एक वजीफा दिया है आज, अगर अल्लाह का लाडला बनना चाहते हो, लाडला, और लाडले का मतलब क्या होता है, उसकी कोई बात रद्द नहीं होती, लाडला उसे के, वो कोई बात मुंह से निकाल दे तो सामने वाला कहता है ये तो मेरे लाडले का आर्डर है, ये तो कैसे भी पूरा करूंगा, और अल्लाह को कैसे बोलने की जरूरत है, अल्लाह के हाथ में तो सब कुछ है। इसलिए तवाज़ो पैदा करने के लिए मेरे अजीज़ो मेहनत करें, अल्लाह वालों की सोहबत में रहे, और सबसे पहले सलाम का मिजाज बनाए। सहाबा का इतना सलाम का मिजाज था, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो देना, इतना सलाम का मिजाज था कि बीच में एक दीवार आ जाए, एक दरख्त आ जाए, और दो घोड़े आपस में ऐसे मिल जाए, वापस आ जाए तो अस्सलाम वालेकुम सामने वाला कहता वालेकुम सलाम, या वो कहता अस्सलाम वालेकुम। तो इतना सलाम का मिजाज था कि जो सलाम में पहल करता है वो तकब्बुर से बरी, जो सलाम में पहल करता है यहाँ तो बड़ा ये कहता फिरता है, आप अपने मुआशरे में अपने वाले बड़ा कहता फिरता है, अरे ये बच्चों को इतना बड़ा बना दे कि हम सलाम करें, तो तू अल्लाह के नबी से बड़ा नहीं हुआ भाई, तू अल्लाह के नबी से बड़ा नहीं हो। जी जो तेरे अंदर बड़ा होने की बीमारी है ना, पहले इसको खत्म कर, दूसरे की इस्लाह बात में हो। इसलिए हम ये कहते थे उस्ताद जी से, सवाल करते थे ना कि ये गरीब आते हैं मांगते हैं, हमें शक्ल से भी ऐसे लगते हैं कि ठीक नहीं है, इनको देना चाहिए, तो उस्ताद जी फरमाते थे भाई देते रहो, वो जैसा भी है उसका अल्लाह का मामला, ऐसा ना हो तुम्हारी देने की आदत खत्म हो जाए, ऐसा ना हो तुम्हारी देने की आदत खत्म हो जाए, तो ऐसा ना हो कि हम इसी चक्कर में पूरी जिंदगी रहे कि सामने वाला हमें सलाम करे, और सामने वाले की कोई औकात हो तो फिर मैं सलाम करूंगा, नहीं मेरे अजीज मोहतरम भाई दोस्तों, सलाम में पहल करने वाला हकीकत में बड़ा होता है, आपको इज्जत देने वाला असल में खुद खानदानी होता है, आपको इज्जत देने वाला, आपको सलाम करने वाला, आपको इकराम करने वाला जलील और घटिया नहीं होता, असल में सीरत पर अमल करने वाला ये खुद खानदानी और खुद इज्जत वाला है, और सामने वाला अगर अपने आप को ये समझता है कि मैं बड़ा हूं, ये मेरे पास झुक कर आ रहा है, तो हकीकत में वो खानदानी नहीं है, वो इज्जत वाला नहीं, वो घटिया आदमी है। इसलिए मेरे अजीज मोहतरम भाई दोस्तों, जनाजे में रश पकड़ना चाहते हो और आपके मरने के बाद लोग अल्लाह के पास गवाही दें कि वाकई अच्छा आदमी था, तो मेरे अजीज इबादत वगैरह ये बाद में है, पहले नंबर पर मेरे अजीज अपने अंदर तवाज़ो पैदा करने की जरूरत है, आजिज़ी पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी आला पैमाने पर तवाज़ो नसीब फरमाए। वाकु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।